Hello student, good morning. Today I am going to teach GK. GK में हम chapter number 26 test of science. Science की test है वो हम यहाँ पे complete करेंगे. उसमें हमें क्या करना है कि put a tick mark against true sentence and cross against false ones. ये जो 1 से लेके 16 तक यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं साइंस के हैं, तो वो हमें रोंग हो तो रोंग करना है और राइट हो तो राइट यहाँ पे करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये जो सूरज है वो हमें गर्मी भी देता है और लाइट भी देता है. तो ये सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि सन हमें देता है ना, सूरज और सन हमें हीट और लाइट दोनों देता है. तो यहाँ पे लिखना है राइट, यहाँ पे लिखा ही है, एग्जाम्पल है. फिर नेक्स्ट है द सन राइज इन द वेस्ट. सूरज है वो वेस्ट में उगता है, पश्चिम दिशा में उगता है. तो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट में राइज होता है, वो पूर्व दिशा में उगता है. तो यहाँ पे लिखना है रोंग, यहाँ पे आपको सेकेंड में सेंटेंस में रोंग लिखना है. फिर नेक्स्ट है अवर शेडो इज द लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. हमारी जो शेडो का मीनिंग होता है परछाई. हमारी जो परछाई है वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बढ़ती जाती है. तो ये सेंटेंस है वो सही है. हाँ सही है, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे हमारी परछाई भी फैलती जाती है, लंबी हो जाती है. तो यहाँ पे लिखना है राइट. फिर नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस द मून चेंज इट्स फेसिस. फेसिस का मीनिंग होता है उसका जो आकार है वो, उसकी जो कला है वो. यहाँ पे ये कहते हैं कि जो चांद है वो उसकी कला है, वो उसका जो आकार है उसको बदलता रहता है. तो सही है ना, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पूनम की रात होती है तो ये चांद है वो पूरा खिला हुआ होता है, और जब अमावस आती है अमावस तक आते तक वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और अमावस के दिन तो एकदम गायब हो जाता है. तो यहाँ पे उसकी जो फेसिस है वो बदलता रहता है, चांद है वो. तो सही है, तो यहाँ पे लिखना है राइट. फिर नेक्स्ट है वी ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. हम हमारे ब्रेथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं. तो ये सेंटेंस है वो सही है? नहीं, ये वो रॉन्ग है, क्योंकि हम हमारे ब्रेथ में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, ऑक्सीजन लेते हैं ना. फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर आउट करते हैं, बाहर काटते हैं, हमारी निकालते हैं हमारे ब्रेथ से, और हम ऑक्सीजन लेते हैं. तो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है. तो यहाँ पे लिखना है रॉन्ग. फिर नेक्स्ट है वी ब्रेथ आउट ऑक्सीजन गैस. हम हमारी ब्रेथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं. तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम बाहर निकलते हैं. तो यहाँ पे भी रॉन्ग लिखना है. फिर नेक्स्ट है मैग्नेट अट्रैक्ट थिंग लाइक आयरन पीस. ये जो मैग्नेट है चुंबक, मैग्नेट का मीनिंग होता है चुंबक, वो आयरन का मीनिंग होता है खीला लोखंड, उसको लोखंड बोलते हैं. तो ये जो आयरन है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है. हाँ तो होता है ना, हम कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब मैग्नेट बाजू में रखा है और उसके थोड़े दूर हम आयरन की कोई चीज रखेंगे कोई भी, तो वो धीरे धीरे करके अट्रैक्ट होके चिपक जाएगा उससे. तो ये सेंटेंस है वो सही है. तो यहाँ पे लिखना है राइट. अ लिक्विड, नेक्स्ट है अ लिक्विड रिमाइन हॉट इन अ थर्मोस फ्लेस्क. फ्लैश का मीनिंग होता है बोतल, थर्मोस. आपको तो पता ही होगा, आपके घर पे होगा बच्चों थर्मोस, तो उसमें हम कोई भी गर्म चीजें डालेंगे तो वो हमेशा गर्म ही रहेगी. तो ये जो सेंटेंस है वो सही है, क्योंकि हाँ थर्मोस का काम ही यही है कि वो हमेशा कोई भी चीज को हम जो लिक्विड डालेंगे उसमें, चाय या कुछ भी गर्म पानी हो उसमें गर्म ही रहेगा. तो ये सेंटेंस सही है. तो यहाँ पे लिखना है राइट. फिर नेक्स्ट है एयर इज नीडेड फॉर अ कैंडल टू बर्न. अगर हमें कैंडल जलानी हो तो हमें एयर की जरूरत होती है. बर्न का मीनिंग होता है जलाना. तो सही है ना ये सेंटेंस, क्योंकि कैंडल है वो बिना एयर के तो जगती ही नहीं, होती ही नहीं, जलती ही नहीं है.
इसलिए उसको हमेशा हवा की जरूरत पड़ती है, बिना हवा के कैंडल बिल्कुल नहीं जलती है। तो ये सेंटेंस है वो सही है, क्योंकि कैंडल को जलाने के लिए हवा में ऑक्सीजन होगा तभी तो कैंडल जलेगी ना, इसीलिए उसको हवा की जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट है, इन समर सीजन वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, हम समर सीजन में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। नहीं, समर का मीनिंग होता है गर्मी, उनाला गर्मी के मौसम, और वुलन क्लॉथ्स गर्म कपड़े। तो क्या हम गर्मी के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते, क्योंकि वो तो हम विंटर के सीजन में पहनते हैं ना वुलन क्लॉथ्स। तो सूत्रा हम तो गर्मी के सीजन में, समर के सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं? सुतराव कपड़े पहनते हैं, एकदम सादे कपड़े पहनते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, यहाँ पे हमें लिखना है रॉन्ग। फिर नेक्स्ट है, स्टोन फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स का मीनिंग होता है तैरना, स्टोन का मीनिंग होता है पत्थर। तो पत्थर है वो पानी में तैरता है, तैरता है नहीं तैरता है, क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है तो पानी में डूब जाता है, वो नहीं तैर पाता है। तो यहाँ पे हमें रॉन्ग लिखना है। फिर नेक्स्ट है, द अर्थ इज नॉट अ सैटेलाइट, ये जो हमारी पृथ्वी है वो सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। तो ये सेंटेंस सही है, सही है ना, देखो यहाँ पे सही है, क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो प्लैनेट है, सैटेलाइट नहीं है, किसी का उपग्रह नहीं है। सैटेलाइट तो वो होता है जो किसी का उपग्रह होता है, या फिर हम या हमारी पृथ्वी में से कृत्रिम जो सैटेलाइट है वो हम आम स्काई में भेजते हैं, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो सैटेलाइट नहीं है, प्लैनेट है, एक अपने आप में ग्रह है। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है। फिर है, द मून हैज लाइट्स लाइट ऑफ इट्स ओवन, जो चांद है वो अपनी जो रोशनी है वो अपने तक ही रखता है। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है, क्योंकि चांद की रोशनी तो हम भी देख सकते हैं ना, हमारी पृथ्वी पर पूरी उसकी रोशनी पड़ती है। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि चांद है वो अपनी रोशनी अपने तक नहीं रखता है, हमें भी पृथ्वी पर आती है उसकी रोशनी। तो यहाँ पे लिखना है रॉन्ग। फिर है नेक्स्ट, एयर हैज नो वेट, हवा में कोई वेट वजन नहीं होता है। नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि हवा में वेट होता है। कैसे? तो कि हम कोई बलून जैसे कि हम जो व्हीकल्स चलाते हैं उसके जो पहिए होते हैं उसमें हम एयर भरते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? तो इसी तरह हवा में वेट, हवा का वेट होता है। तो ये सेंटेंस है वो रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट है, रेन वाटर सीप्स इन द ग्राउंड, मतलब जो बारिश का पानी होता है ग्राउंड में जो मैदान है उसमें जम गिरता है। तो सही है, वो ग्राउंड में ऐसे ही तो गिरता है। ड्रॉप सीप्स का मीनिंग होता है ड्रॉप्स, जैसे वो टपक टपक होता है ना वैसे, तो जर्मर वो बहता रहता है रेन का पानी ऊपर से। तो वो सही है, तो यहाँ पे लिखना है राइट। द इलेक्ट्रिक ट्रेन गिव्स आउट स्मोक, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वो धुमाड़ा, उसका जो धुआं है वो बाहर निकालती है। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो तो बिजली से चलती है ना, तो वह उसमें कहाँ से धुआं आएगा? वो कोल से नहीं चलती है, कोल से अगर चलती होती तो उसमें से धुआं निकलता, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक है, बिजली से चलती है, इसलिए उसमें धुआं नहीं निकलता, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है रॉन्ग। तो बच्चों, ये जो सारे साइंस के कुछ सेंटेंस थे वो हमने रॉन्ग और राइट यहाँ पे लिखे, तो ये आपको होमवर्क में लिखना है। जैसे कि ये जो मैंने लिखा है वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी इसमें फिल करना है अच्छे से, और आपको लर्न भी करना है साथ में। ओके,